गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो बैठ जाओ। आज तो भाई बड़े ही तमीजदार बच्चे बने हुए हो। तुम्हारी मैंने चेकिंग करनी है, यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाओ। चेकिंग? अरुष, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये तुमने कलरफुल पिन लगाई हुई है ना सर में, क्या ये स्कूल में अलाउ है? स्कूल में तो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट अलाउ होती है, ना कि ये कलरफुल। टीचर, ये तो मेरी फेवरेट पिन है। उतारो ये पिंस, इधर दो। क्या स्कूल? नहीं टीचर, नहीं। चुप चुप करके खड़ी रहो। चुप हो जाओ। एक तो कलरफुल पिन स्कूल में लगा कर आती हो और ऊपर से रोना धोना मचाती हो। चुप। हाँ जी, अब बारी है इस बली की। ये तुमने हाथ में क्या पहना हुआ है, जरा दिखाओ अपना हाथ मुझे। ये आप वॉच नहीं है, ये मैजिकल वॉच है। इसमें ना छुट्टी होने को होती है ना, ये मुझे बता देती है। हाँ भाई, छुट्टी की बहुत जल्दी है, तुम्हें आके अभी बैठते नहीं और छुट्टी छुट्टी लगी रहती है। नहीं टीचर, नहीं, ये मेरी फेवरेट वॉच है, मैं नहीं दूंगा आपको। नहीं नहीं, तुम देते हो या नहीं देते वॉच? इधर दो ये वॉच। नहीं, नहीं। चुप चुप करके खड़ा रहो। अभी तो एक मुंह पे चांटा मार रहा है ना, इसके बदले दो मारूंगी। हां जी हादी, बल्कि हादी नहीं हादिया, तुमने जो ये इतने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, तुम लड़की हो क्या? टीचर जी, मुझे बड़े बाल अच्छे लगते, देखो कितने प्यारे तो मेरे बाल हैं। शौक है बड़े बालों का? अच्छा अभी बताती हूँ फिर। ठीक से हाथ दिया, चलो तुम्हें चूड़ियां भी पहनाती हूँ। कल से ना ये बाल कटवा के आ ना, वरना खुद ही कैंची लेके ये काटूंगी मैं बाल तुम्हारे। और शिफा, तुम्हारी बड़ी बत्ती सी निकल रही, अभी निकालती हूँ तुम्हारे दांत में। ये तुम स्कूल आई हो या फैशन शो में आई हो, जो इतना तैयार मैयार होके आई हो? क्यों टीचर, मैं तो पूरे यूनिफॉर्म में आई हूँ। ये जो गले में तुमने फैंसी हार डाला है, ये किसकी इजाजत से डाला है? लाओ ये मुझे दो, उतारो ये। नो मैम, नो, ये मैं नहीं दूंगी आपको। अभी बताती हूँ मैं, तुम कैसे नहीं देती मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी मैम, मैं नहीं। उतारो ये हार। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। नहीं, ये हार तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो बच्चों, अपनी अपनी सीट्स पर जाकर बैठो। और हाँ सुनो, आइंदा के बाद कोई फैंसी चीज ना पहन कर आए। बैठो। अरे वाह, ये तो अच्छा खासा सामान हो गया मेरे पास। ये हार तो अपनी बेटी को जाकर दूंगी, और ये घड़ी अपने बेटे को, और ये पिंस ये मैं खुद लगाऊंगी। टीचर ने तो मेरा नेकलेस ले लिया। मेरी फेवरेट पिंस ले ली, मेरी फेवरेट वॉच ले ली, और मुझे लड़की बना दिया।
क्या कर सकते हैं? ये क्या खुसर फुसर हो रही है, चुप कर बैठो और मेरी होर से बात सुनो। जो तुम फैंसी चीजें पहन कर आए थे ना, इसका फाइन तो तुम्हें लगेगा जरूर। चलो जल्दी से 100-100 रुपए निकालो। फाइन? टीचर जी हमारे पास 100 रुपए नहीं है, हमारे पास 20 रुपए, वो भी अपने खर्चे कर लिए। अच्छा, जिसके पास जितनी पॉकेट मनी है ना उतनी दो मुझे। टीचर ने तो हमारी पॉकेट मनी ले ली, अब हम चीज कैसे खाएंगे? अब टीचर मांग रही है तो देने पड़ेंगे। लाओ 50 रुपए, कल से ही बाल भी कटवा के आना। जाओ सीट पर। वली तुम आओ। अरे वाह, तुम तो पूरे 100 रुपए लेकर आए हो। चलो सीट पर। अरुष इधर आओ। सरफ 20 रुपए, चलो उधर जाके बैठो। शिफा इंतजार क्या देख रही हो, जल्दी आओ। ये ले मैम। हाय अल्लाह, सिर्फ 10 रुपए? इतनी बड़ी गधी हो गई हो और सिर्फ 10 रुपए लेकर आई हो? सबसे कम हाथ करो, हाथ पे लगेगा, हाथ करो। चलो चलो बच्चों, एक एक करके मुझे सबक सुनाओ। चलो वली तुम सुनाओ। तुझे सबक नहीं याद? क्या याद नहीं है? रोजाना का तुम्हारा यही बहाना होता है, याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। खाना खाना तो तुम नहीं भूलते, याद करना भूल जाते हो सबक। अच्छा मेरी बात अब तुम ना गौर से सुनो। अब जिस बच्चे को सबक याद नहीं है ना, उस बच्चे को मैं पंखे से लटकाऊंगी। चलो शिफा, इस वली के ना हाथ बांधो, इसको आज हम पंखे से बांधेंगे। मुझे पंखे नहीं लटकाने। लेकर जाओ और बांधो इसके हाथ। हाँ हाँ हाँ, बांधो। मचाता है तो मचाता रहे शोर। ये टीचर जी, वली अपने हाथ पांव नहीं बनवा रहा। छोड़ दे, इसे माफ कर दे। पक्का सबक याद करके आना अब। अच्छा छोड़ दो इसको। और हाँ एक और बात, अगर किसी बच्चे को कल सबक ना आया, उसके हाथ पांव बांध के ना पंखे से लटकाऊंगी मैं। टीचर हम याद करके आएंगे। याद आराम से बैठ जाओ, आज तुम्हारा ब्रेक टाइम बिल्कुल नहीं होगा। क्लास में ही बैठे रहो। टीचर पर क्यों? शिफा अरुष, मैं जो ये घर से मटर लाई हूँ ना सब्जी, ये तुम दोनों छीलोगी बैठकर। क्या मटर? पर टीचर मुझे तो मटर छीलना नहीं आता। क्या नहीं आता? अरे भाई तुम लड़की हो, बड़ी भी तो होगी ना, अपनी अम्मी के साथ हेल्प करवाओगी तब भी तो करोगी ना, अभी से प्रैक्टिस करोगी तो तब जाके आएगा। चलो तुम दोनों आओ और मटर छिलो मेरे। ये लो मटर और उधर जाकर छीलो, और हाँ ठीक तरह छीलना। सुनो सारे मटर छीलना, ऐसा ना हो साथ साथ खाती रहो। चलो हमारे तो जान बचे, हम तो खेलना चल। रुको, और तुम किधर जा रहे हो खेलने के लिए? इधर आओ। हादी तुम मेरी टांगे दबाओ, वली तुम मेरे कंधे दबाओ। क्या?
तुम्हें पढ़ा पढ़ा के ना बहुत थक गई हूँ मैं, चलो जल्दी आओ, मेरी टांगे और मेरे कंधे दबाओ, चलो जल्दी आओ, बैठो नीचे इधर से। अरे जोर के दबाओ, खाते पीते नहीं हो क्या? बोलते तो इतने हो, जबान तो इतनी लंबी है, हाथ भी चलाओ ना। टीचर टीचर मेरे हाथ दुख गए। जबान तो नहीं दुखती जब बोलते हो, चुपचाप दबाओ। अच्छा जाओ तुम लोग अपनी सीट पर जाकर बैठो। और तुमने छीन लिए मटर, जाओ। टीचर जी मेरे हाथों में दर्द हो रहा है मटर छील के। चुपचाप बैठ के मटर छीलो, इतनी नाजुक परी नहीं हो तुम, नखरे तो देखो मैडमों के। चलो शेयर करके लंच खाते हैं। क्या करूं, कैंटीन में आलू छोले की चाट भी खत्म हो गई है और इतनी भूख लग रही है। अरे सुबह तो नाश्ता भी नहीं करके आई थी, इतनी भूख लग रही है। ओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो? टीचर हम शेयर करके लंच कर रहे हैं। अरे वाह, शेयरिंग तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो बुरी बात है ना, आप अकेले अकेले खा रहे हो और अपनी टीचर से नहीं पूछ रहे। अरे वाह अंडा, भाई अंडा तो मुझे बहुत पसंद है। बस टीचर थोड़ा बचा दे, मैंने भी खाना है। ये लो शिपा बेटा अपना लंच बॉक्स। सारा खा लिया टीचर ने। वली तुम क्या लेकर आए हो? मैं हलवा लेकर, मैं ही दूंगा। हलवा? हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। वली बेटा चलो, बुरी बात, टीचर को टेस्ट करवाओ। चलो वली बेटा टीचर को टेस्ट करवाओ। अरे वाह, ये तो बहुत मजे का हलवा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, देखने में इतना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा होगा। चलो टेस्ट करती हूँ। बड़ा ही मजे का है, देसी घी का हलवा। बस दे देना। अरे क्या हो गया, देती हूँ बचा कर। ये लो अपना टिफिन। देख तो पूरा तो नहीं खा गए, ये तो पूरा खा गए। हाँ भाई अरुष तुम क्या लाई हो देखती हूँ। मैं तो कुछ नहीं लेकर आई। अच्छा भाई कुछ नहीं लेकर आई ना, तो दिखाओ अपना टिफिन। अरे वाह, ये तो काबली पुलाव है मजे की। अकेली अकेली खाती हूँ ना इतनी मजे मजे की चीजें, नोटी नोटी, आइंदा से मेरे लिए भी लेकर आना।
ये लो बेटा। अरे हादी हादी, तुम क्यों इतने चुपचुप हो? आखिर क्या लेकर आई हो लंच में, दिखाओ तो सही। ये तो तुम सब्जी लेकर आए, पकड़ो, ये तो मैं नहीं खाती। चलो भाई, मेरा पेट तो भर ही गया है। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, ये लंच फिनिश करके क्लास में आ जाना तुम। सारा लंच खा गई गंदी टीचर। हाँ, सारा ही खा गई लंच। अगली बार लंच नहीं लेके आएगी, इसको सबक सिखाएगी। इतना शोर मचा रखा है क्लासरूम में। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना कर रखा है कि क्लासरूम में शोर मत मचाया करो। अब तुम्हारी पता है क्या सजा है? तुम शूज उतारो और नंगे पांव दौड़े लगाओ। जब पांव दुखेंगे ना, फिर पता चलेगा। नंगे पांव? चलो चलो। चलो जल्दी से शूज उतारो और नंगे पांव दौड़े लगाओ। नहीं मैम, हमारी टांगे दुख जाएंगी। जबान तो नहीं दुखती बोलते बोलते। जल्दी से शराफत से जूते उतारो और दौड़े लगाओ। चलो हरिया परिया परिया परिया। ये तो अपनी ये क्यों रुक गए उधर जाकर? चुपचाप तुम दौड़े लगाते हो कि नहीं? टीचर जी, इसकी टांगों में दर्द हो रहा है। बहाने मत करो और जल्दी से दौड़े मुकम्मल करो, अब पता चलेगा तुम्हें। रूश हिम्मत करके उठ जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी, अब पता चलेगा ना। जितनी जबान चलती है उतने पैर भी चलते हैं कि नहीं? अरे हिम्मत करो। चलो चलो चलो। चलो आराम से सीधे खड़े हो, शूज पहनो और चलो क्लास में। अब नहीं शोर करना क्लास में, आओ जल्दी। अच्छा बच्चों, घर जाने से पहले मेरी गौर से बात सुनो। जी टीचर। कल आप सब ने जो है ना 500-500 रुपए लेके आने हैं। 500 रुपए पर? टीचर किस लिए? क्लास में न्यू चार्ट लगाने हैं, हमने डस्टर लेना है, सफाई करने के लिए झाड़ू लेनी है, व्हाइट बोर्ड का मार्कर लेना है। टीचर जी, हम तो बहुत गरीब है, इसलिए तो बिना फीस वाले स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ हाँ टीचर जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। अगर इतने पैसे होते तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। अपने खाने के लिए तो 1000-1000 रुपए ले आते हो, क्लास के लिए 500 भी नहीं लेके आ सकते क्या? तुम्हारे ही काम आएंगी ये चीजें, हमारे काम थोड़ी आएंगी। कल जो है ना, आपने 500-500 रुपए लाजमी लेके आने और बहाना नहीं मैं सुनूंगी। कैसे लाएंगे? हाँ पता नहीं कैसे लाएंगे।